नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी करंट अफेयर शो में और मैं हूं आनंद कुमार। और आज के दी करंट अफेयर शो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं केंद्र सरकार लद्दाख क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए 1200 करोड़ रुपए का एक परियोजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत लद्दाख क्षेत्र के हाईली रिमोट सेंट्रल एरिया को नेशनल पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। और मुख्य रूप से यह दो क्षेत्र होंगे, पहला होगा नुब्रा वैली और दूसरा होगा जास्कर वैली। और अगर हम इन दोनों क्षेत्र को देखें तो रणनीतिक तौर पर भी और लद्दाख के विकास से अगर इसको जोड़कर देखें तो दोनों ही क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज के दी करंट अफेयर शो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के दी करंट अफेयर शो की शुरुआत करते हैं। नेशनल पावर ग्रिड के तहत हमारे देश को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आ जाता है नॉर्दर्न ग्रिड, उसके नीचे आ जाता है साउदर्न ग्रिड, उसके बाद आ जाता है आपका वेस्टर्न, उसके बाद ईस्टर्न ग्रिड और एक आ जाता है नॉर्थ ईस्ट ग्रिड। हालांकि अगर इंडिया का पूरा जो आप मैप देख लोगे तो जो मेन लैंड है इंडिया का वो सब के सब नेशनल पावर ग्रिड से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लें या फिर लक्षद्वीप की बात कर लें तो वो नेशनल पावर ग्रिड से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि नेशनल पावर ग्रिड से अगर किसी एरिया को जोड़ना है तो इस तरह से ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता होगी। आप अपने घर के आसपास एरिया में देखते होंगे कि इस प्रकार से लंबे लंबे खंभे लगे होते हैं जहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो एक जगह से दूसरी जगह पर होता है। तो समुद्री एरिया में जो है ट्रांसमिशन लाइन बिछाना काफ़ी मुश्किल वाला काम होता है। तो इसीलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप आज के समय में नेशनल पावर ग्रिड से नहीं जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पूरा जो हिंदुस्तान है वो नेशनल पावर ग्रिड से जुड़ा हुआ है। तो आज हम जिस रीज़न की बात करने वाले हैं वो है हमारा नॉर्दर्न ग्रिड, यानी कि खासकर जम्मू कश्मीर का रीज़न। और इसका जो सेंटर है नॉर्दर्न ग्रिड का, ये है आपका श्रीनगर में। तो 2014 में श्रीनगर से लेह को जोड़ने के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन पर काम शुरू हुआ था, जिसका जो शिलान्यास है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2014 में किया गया था। और इसके तहत श्रीनगर से अलस्टेंग, उसके बाद द्रास और उसके बाद कारगिल और उसके बाद जो है लेह को जोड़ने का काम शुरू हुआ था। और यह जो प्रोजेक्ट है 220 किलोवाट का था, जो कंप्लीट हुआ 2019 में। यानी कि 2019 में नेशनल पावर ग्रिड के तहत ट्रांसमिशन लाइन के जरिए श्रीनगर से लेह तक को जोड़ दिया गया, यानी कि लद्दाख रीजन भी 2019 में नेशनल पावर ग्रिड से जुड़ गया। लेकिन अब हाल ही में 1200 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में और डाले जाने की बात कही गई है। और यह जो 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है लद्दाख रीजन के दो सबसे सेंट्रल रिमोट एरिया को जोड़ेगा, जो कि सबसे पहला होगा जास्कर वैली और दूसरा होगा नुब्रा वैली। और इसका अगर आप लोकेशन देखोगे तो लेह के ऊपर आ जाता है आपका नुब्रा वैली और नीचे में आ जाता है जास्कर वैली। और इस वैली को अगर ट्रांसमिशन लाइन यानी कि नेशनल पावर ग्रिड से जोड़ लिया जाता है तो ये स्ट्रैटेजिक वे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रीजन के अगर आप डेवलपमेंट वे से देखते हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। 220 किलोवाट का ये भी प्रोजेक्ट होगा, 1200 करोड़ रुपए की लागत होगी और 2 से 3 साल में इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। 2014 में जब इस एरिया को जोड़ा गया था तो श्रीनगर से लेह तक का ट्रांसमिशन लाइन बिछाया गया था और अब जो है लेह से नुब्रा और जास्कर रीजन को जोड़ा जाएगा। और इस पूरा प्रोजेक्ट का जो नोडल एजेंसी है वो है नेशनल ग्रिड कॉरपोरेशन, और नेशनल पावर ग्रिड जो है वो इसी के अंडर में पूरी तरह से संचालित होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपका जो 1200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट चलेगा, इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज का। तो इसका जो ट्रांसमिशन लाइन बिछेगा वो होगा द्रास से पदुम तक का, जो कि 200 किलोमीटर इसकी दूरी होगी। और खास बात यहाँ पर अगर द्रास की बात करोगे तो ये दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है, जहाँ पर -45 डिग्री तक का टेम्परेचर होगा। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कहने का मतलब ये है कि दुनिया का दूसरा सबसे युद्ध वाला ठंडा स्थान। यहाँ पर आप इसका लोकेशन भी देख सकते हो, ये है पदुम और ये है द्रास, और कारगिल को क्रॉस करने के बाद ये द्रास यहाँ पर आ जाता है। तो सबसे पहले फेस में इसको जोड़ा जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो इसका सेकंड फेस होगा ये लेह से नुब्रा घाटी को जोड़ेगा, और इसका भी जो डिस्टेंस होगा वो 200 किलोमीटर होगा। यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि यह जो
ट्रांसमिशन लाइन है वो खारदुंगला दर्रा से होकर गुजरेगा। खारदुंगला दर्रा कहाँ पर है? ये आपका लेह रीजन है और ये आपका नुब्रा वैली है। लेह रीजन से जो नुब्रा वैली जाती है इसी के बीच में है आपका खारदुंगला वैली। खारदुंगला वैली से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं, तो चलिए यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि खारदुंगला दर्रा के अलावा लेह जिले में और कौन सा दर्रा स्थित है। इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो मैं फर्स्ट फेस में बता रहा था द्रास, ये रीजन जो है ये जास्कर रीजन में ही स्थित है। तो अगर इस क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइन बिछाया जाता है तो इसके फायदे किस प्रकार से होंगे उसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस रीजन में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर अदर काम करने के लिए यहाँ पर डीजल जनित वाहनों का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, यानी कि जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे यहाँ पर ठंड के मौसम में कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है, प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसे निजात पाने में भी ये बहुत हद तक काम करेगा। इसके अलावा ये जो पूरा रीज़न है टूरिज़्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, और अगर ये नेशनल पावर ग्रिड से कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा लद्दाख के इस रीज़न को अगर नेशनल पावर ग्रिड से जोड़ा जाता है तो सामाजिक विकास तो होगा ही, इसके साथ साथ आर्थिक विकास भी होगा। इसके बाद छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर नेशनल पावर ग्रिड से भी ले लीजिए। आखिर नेशनल पावर ग्रिड होता क्या है? तो नेशनल पावर ग्रिड आप इसे इस तरह से समझ सकते हो कि जो विद्युत उत्पादन कंपनियाँ होती हैं या फिर जो पावर प्लांट होते हैं, कुछ बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, कुछ छोटे पावर प्लांट्स होते हैं, तो सारे पावर प्लांट्स का जो पावर होता है एक जगह एकत्रित किया जाता है और उस एक जगह से अलग अलग कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कुछ नॉर्दर्न पार्ट में जाते हैं, कुछ साउदर्न पार्ट में जाते हैं, कुछ ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं, कुछ वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं। तो जितनी भी पावर जनरेशन कंपनियाँ होती हैं, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, ये सारे पावर्स जो हैं किसी एक जगह पर एकत्रित करते हैं, और इस जगह पे एकत्रित होने के बाद ये जो पावर है अलग अलग कंपनियों को या फिर अलग अलग जो भी पावर ट्रांसमिशन लाइन होते हैं उसको सप्लाई किए जाते हैं। तो पूरा इस तरह से चेन चलता है नेशनल पावर ग्रिड के तहत। अब इसमें एक डेटा आप याद रखिएगा कि प्रेजेंट टाइम पर ये डेटा जो है आपका जुलाई 2020 तक का है। नेशनल पावर ग्रिड के तहत जो भारत की उत्पादन क्षमता है वो 370 गीगावाट का है, जो कि दुनिया में तीसरा सबसे अधिक है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का दी करेंट अफेयर शो, जिसमें लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, लद्दाख रीजन के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। लद्दाख रीजन ट्रांसमिशन लाइन से नेशनल पावर ग्रिड से अगर कनेक्टेड हो जाता है तो उस क्षेत्र में बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, चाहे आप लद्दाख क्षेत्र के आर्थिक विकास से रिलेट कर लो या फिर सामाजिक विकास से रिलेट कर लो। तो इन सारे फैक्ट्स के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के दी करेंट अफेयर शो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।